नमस्कार आपका स्वागत है अर्चना हेड रेसिपी में तो चलिए शुरू करते हैं माँ के स्टाइल में जानेंगे कि पकौड़ा कढ़ी बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं सबसे पहले में ये चना दाल को मैं पाँच से छः घंटे फुला के ले ली हूँ वो बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो गए देखिए कट जा रही है नाखून से बहुत अच्छे से टुकड़ों में कट जा रही है और इसी के साथ मैं ली हूँ जीरा हाफ इंची अदरक एक सूखी मिर्च और तीन से चार हरी मिर्च आप अगर सूखी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ हरी मिर्च भी ले सकते हैं इससे पकौड़ा कड़ी को बहुत फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंस्टेंट बन जाएगी पकौड़ा कड़ी जो खाने में बेहद डिफरेंट स्वाद की होगी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट इसका आता है और इसको कितना भी ये स्टर करें गरम करें ये टूटेगी नहीं और सॉफ़्ट तो इतनी कि रुई से भी सॉफ्ट रहेगी मैं इसमें सबको डाल के अच्छे से पीस लूँगी इसको 80 से 90 परसेंट तक हमको अच्छे से पीस लेना है 10 परसेंट ही कसर छोड़ना है इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ ये बहुत ज़्यादा नहीं है कटोरी करीब 200 ग्राम चना की दाल है उसी से बहुत सारे पकोड़े बन के तैयार होंगे कम से कम पाँच से छः लोगों के लिए सफिशियंट है आराम से खाएंगे मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ देखिए एटी से नाइन्टी परसेंट तक मैं पीस दी हूँ बहुत ज़्यादा ये बारीक नहीं है इसी से मुँह में खाने में इसका टेक्सचर बिल्कुल भी डिफरेंट लगेगा अच्छा लगेगा इसका टेस्ट और उसी जार में मैं ले ली हूँ बहुत ज़्यादा बेसन की भी ज़रूरत नहीं कि इसके साथ मैं ये दो एक से दो दिन की पुरानी दही ली हूँ दही थोड़ी सी हल्की सी खट्टी रहती है तो कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छे से आता है अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो बाहर रख दे थोड़ी सी ये हो जाएगी इसी के साथ साढ़े तीन चम्मच टी ती उस है बेसन डाली हूँ मैं बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डाली हूँ इसी से चार से पाँच लोगों के लिए सफिशियंट कड़ी बन के तैयार होगी इसी के साथ हाफ से भी हाफ़ हल्दी बहुत ज़्यादा कड़ी में हल्दी नहीं पड़ती है मावट आती है इसके साथ धनिया हाफ से भी हाफ और ये मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट एकदम मस्ट है इससे कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर जो लोग नहीं खाते हैं तो ना डालें मैं पीस ली हूँ हाथ से भी घोला जा सकता है पर मैं मिक्सर में ही पीस ली हूँ इससे अच्छे से फिट जाती है और मैं इसमें तड़का बिल्कुल भी नहीं डालूँगी इसे डायरेक्ट मैं इसमें घोल डाल देती हूँ ताकि बहुत कम तेल में भी बन के तैयार होगी मेरी माँ बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करती थी कम तेल में ही बना के और इसी के साथ मैं उसी कटोरी से दो कटोरी के लम्प पानी ली हूँ आप तीन से चार कटोरी लिए अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ये कढ़ी इसी के साथ जीरा लाल मिर्च हल्दी मैं पकौड़ा बता रही हूँ पकौड़ा को कैसे बनाना है और धनिया पाउडर उसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें अगर आप मेरी वीडियो से जरा से भी कनेक्ट कर पाती है अर्चना आइडिया रेसिपी को आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो जरा से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटूँगी दो से तीन मिनट ही फेंटूँगी आप उतना भी नहीं करना चाहते क्योंकि आजकल वर्किंग वूमेन बुम, को टाइम नहीं रहता उतना भी आप करना नहीं चाहते हैं तो दो मिनट तक छोड़ भी सकते हैं अच्छे से बेटर हल्की हो जाएगी अब देखिए कढ़ाई के चारों ओर मलाई लग रही है इसका मतलब कढ़ी कर लगा इसका एक महक भी आता है जो बहुत अच्छी महकती है किचन में खुशबू फैल रही है कढ़ी बनने का एक महक दूर दूर तक जाती है कर रही है कढ़ी और कढ़ी में जब तक उबाल ना आए तब तक आप चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें नहीं तो आपकी दही फट भी सकती है मैं नमक नहीं डाली हूँ नमक लास्ट में कढ़ी में डालूँगी इसी के साथ मैं बहुत कम सरसों का, का तेल ली हूँ सरसों का तेल अच्छे से गर्म हुआ है तो मैं इसमें पकौड़ा डाल रही हूँ सरसों के तेल में पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है कड़ी और बड़ी हम बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप जो भी तेल खाती हैं उस पर बनाएँ देखिए पकौड़े का साइज कितना छोटा छोटा है और उतने से इतने बड़े बड़े फुले फूले पकौड़े बनेंगे आपको डर भी नहीं रहेगा कि पकौड़े अंदर अंदर से गुलटी जैसा हो गया या सख्त हो गया बिल्कुल भी नहीं ये कभी सख्त नहीं होंगे इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं इसलिए सबसे अच्छा तरीका है चना दाल फुला के पकौड़ा बनाए ताकि बहुत फेंट के पानी में छलाने का इंतज़ार ना करें अच्छे से पकौड़ा तल गई है मैं हाई हीट में पकौड़ा का तली हूँ ताकि कम में तलेंगे तो तेल सोख लेगा पकौड़ा डालते समय मैं आँच को कम की हूँ ना देखिए तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं करती ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती इसमें मैं दाल को जब पीसी थी तो पानी थोड़ा कम ही डाली पानी बिल्कुल भी ना डाले जरूरत पड़े तो एक या दो चमचा इस तरह से मैं सारे पकौड़े बना लूँगी कुछ बचा के रख लूँगी उसमें प्याज डाल के प्याज हुआ बना दूँगी मेरी माँ इसी तरह से बनाया करती थी हम लोग को बेहद पसंद आता था अगर कढ़ी में कढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो गर्म पानी ही मिलाए ठंडा पानी बिल्कुल भी ना मिलाएं ये, ये भी एक तरीका है और देखिए अब मैं सारे इसमें डाल दूँगी और बहुत गाढ़ी रहेगी तो पकौड़ा है जो जूस को अब्ज़र्व नहीं करेगी तो हल्का पतला हल्का पतला रखें ताकि वो खोल के फिर गाढ़ी हो जाए जूस ऐब्ज़र्व कर ले ये बहुत जल्दी जूस ऐब्ज़र्व करती है दो से तीन मिनट में फूल के बड़ा 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 हो जाएगा बड़ा मैं इसकी छोंक के तैयारी करती हूँ देखिए मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं ली हूँ बहुत कम तेल में बनाई हूँ सरसों का तेल है इसमें जीरा और लाल मिर्च की तड़का मैं डाली हूँ तड़क जाती है एक तेजपात मेरे यहाँ पड़ती इसलिए मैं डाल रही हूँ एक तेजपात मैं अपनी माँ की तरह बता रही हूँ आपको माँ मेरी ऐसी बनाया करती थी और इसी के साथ आधा टुकड़ा प्याज का आप चाहे तो ये एक प्याज भी ले सकते हैं आधा टुकड़ा प्याज का डाली हूँ इसमें प्याज का तड़का बहुत अच्छा लगता है और हींग मस्ट है हींग ज़रूर डालें एक पिंच हिंग हिंग डाली जो कि बेसन का चीज़ से पेट में कुछ गड़बड़ी ना हो अच्छे से प्याज लाल हो गई तो कड़ी लिप्स में डाल दी हूँ कड़ी पत्ता और साथ में एक सूखी लाल मिर्च इसका सोनापन बिल्कुल अलग रहता है तो आप चाहें तो हरी मिर्च भी डालें बहुत जगह हरी मिर्च भी डाली जाती है बहुत बार तो सूखी मिर्च डालती हूँ इसका टेस्ट अच्छा आता है और अंदर में बड़ी में मैं लाल मिर्च पीसी ही हूँ और इसी के साथ हाफ से भी हाफ लाल मिर्च का पाउडर जो कढ़ी को एक अच्छा रंग देगा देखने से सुंदर लगेगी थोड़ा सा झाल भी आएगा तीता भी लग, अच्छा लगेगा थोड़ा देखिए कितना सुंदर आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कितना सुंदर कड़ी बन के तैयार हुआ है बड़ा कितना बड़ा बड़ा बन के तैयार हुआ है ये बहुत टेस्टी बनी थी दोस्तों और इसको फ्लेवर को फील होने के लिए छौका के बाद थोड़ा ढाँप दे खुला छौका मत रखें फ्लेवर इसको अंदर से फील होने दे मैं अपने व्यूवर को सर्व करके दिखाती हूँ देखिए ये बासमती चावल है बासमती चावल के साथ कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे यहाँ कढ़ी बनता है तो बासमती चावल ज़रूर बनती है अगर मेरी वीडियो से जरा सभी कनेक्ट कर पाते हैं अर्चना एड रेसिपी को आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिनको कढ़ी खाना पसंद है अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी के साथ मैं कढ़ी डाल दी हूँ और साथ में आधा बैटर मैं बनाई थी उसमें प्याज़ डाल दी थी प्याजुआ बन गया है प्याजी और साथ में भिंडी फ्राई आलू फ्राई इसमें बहुत अच्छा कॉम्बो जाता है मैं आपको एक बड़ा कट के दिखाती हूँ कितना रुई की तरह सॉफ्ट है आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें अगर इस तरह से नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाएं Thank you for watching reviewer ko Bye bye take care